नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपने एक्सरसाइज 7.1 के 24 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज अपना 25वां क्वेश्चन ये है। और आपका 25वां क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक तो आपको ये प्रूव करना है और दूसरा आपको प्रूव करना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ये दी गई है, एक तो राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी है और एक ये प्रूव करनी है। इन दोनों को आप राइट हैंड साइड भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो मिडल हैंड साइड और इसको क्या बोल सकते हो राइट हैंड साइड। बट ये दोनों प्रूव करनी है इस लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड और अपना लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन बीच में प्लस का है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बेटा सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया जो कि आपका क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बीच में साइन प्लस का है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए यहाँ साइन बीच में प्लस का है तो मैंने एलसीएम लिया और इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका आपका एलसीएम आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। अब बेटा देखो इसको इससे भाग दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन थीटा प्लस है कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा किया तो आपका क्या आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, देखिए इसको इससे भाग दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा बच गया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा किया तो इसकी क्या आ गई होल स्क्वायर और बीच में साइन है प्लस का। इसी प्रकार इसको इससे भाग दिया तो बेटा ये कट गया और बच क्या गया साइन थीटा माइनस है कोस थीटा। फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुणा किया तो आपका आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिएगा सरल समीकरण का प्रयोग करता हूं मैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इस सरल समीकरण का प्रयोग किया और यहां क्या आ गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर। a कौन सी है a माइनस बी की होल स्क्वायर और किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, यहाँ a क्या है आपका साइन थीटा, b आपका क्या है कोस थीटा, तो क्या आएगा a की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां मैंने सरल समीकरण का प्रयोग किया a प्लस बी की होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे ही बेटा यहां साइन बीच में प्लस का है, यहां a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होगी a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर बटे में a माइनस बी ए प्लस बी। तो सरल समीकरण क्या है भाई, एक और प्रयोग करेंगे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, बेटा किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ए आपका है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलिएगा यहां तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या? आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या आप चाहते हो एक बार इसको ऐसे ही रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना साइन थीटा, पहले ऊपर वाले को पूरे को सोल्व कर लेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आप चाहते हो कि एक बार सर ऊपर वाले को पूरा सही से सोल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हो, या बेटा ये लिख भी सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा, आप मुझे ये बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। और एक कितना हो गया? दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक, और एक कितना हो गया? दो। और यहां दो साइन थीटा कोस थीटा प्लस का है, यहां किसका है? माइनस का है। तो यहां कितना बच गया बेटा? दो बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सर्वसमिका थी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां तक आ गया। अब यहां से देखना, एक बार तो मैंने क्या किया कि दो बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, और दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इक्वेशन एक लिया। अब देखिए इक्वेशन एक आपकी ये है, दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो, यहां चाहिए अपने को कोस कितनी बार चाहिए? दो बार, और यहां एक बार तो आया हुआ है। सर्वसमिका प्रथम याद कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। तो एक होता है तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह लगाया मैंने एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया? एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले ही है, और यहां क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा दो बटे में एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कितनी बार हो गया? दो बार। एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा, बताइएगा समझ? एक तो आ गया ना, आपकी ये मिडल हैंड साइड आ गई, या इसको राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, इसको भी राइट हैंड साइड, बट यहां ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, और दो आपको क्या दी गई है? राइट हैंड साइड। ये आप मिडल हैंड साइड भी बोल सकते हो MHS। और दूसरा देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन एक से, समीकरण एक से, एक समीकरण क्या है? दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा अपने को यहां साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार चाहिए? दो बार। इसका मतलब डेफिनेटली साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर रहेगा, कोस स्क्वायर को चेंज करना है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। तो बताएं कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां मैंने क्या किया? दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया भाई? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आ गया बेटा दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक, और माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये प्लस वाला तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप देखिएगा, दो बटे में साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार हो गया? दो बार आ गया। तो आपका आ गया दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक।
मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मिडल हैंड साइड के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये आपकी क्या होगी बेटा, राइट हैंड साइड। ये आपकी क्या होगी, मिडल हैंड साइड। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं, आप देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन बीच में प्लस का है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये मिडल हैंड साइड दी गई है और ये राइट हैंड साइड दी गई है। अपने को प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ बेटा मैंने एलसीएम लिया तो ये आपका एलसीएम आ गया, इसको सोल्व किया तो आपका यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्केयर, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्केयर आ गई। अब उसके बाद आप बेटा देखिएगा, ए प्लस बी की होल स्केयर, ए माइनस बी की होल स्केयर, यहाँ फार्मूल दोनों सर्वसमिकाओं का प्रयोग किया तो आपका आ गया ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। अब बेटा देखिए नीचे सेम लिख दिया मैंने, अब देखिए साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान एक, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान एक, एक और एक कितना हो गया, एक और एक आपका कितना हो गया, दो। और यहाँ देखिएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फार्मूला लगाया क्या आया भाई, साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। और बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका है, प्लस का, और दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका है, माइनस का। ये तो कट ही गया ना, तो यहाँ क्या बच गया, दो बटे में साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा। इसको इक्वेशन क्या लिए मैंने, एक। और इक्वेशन एक से पहले तो हम मिडल हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो यहाँ साइन स्केयर थीटा को मैंने क्या रखा भाई, एक माइनस कोस स्केयर थीटा, तो कोस स्केयर और कोस स्केयर कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, तो दो बटे में एक माइनस दो कोस स्केयर थीटा, क्या आपकी मिडल हैंड साइड प्रूफ होगी। उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, फ्रॉम इक्वेशन वन, टू बाई साइन स्केयर थीटा माइनस कोस स्केयर थीटा है, बेटा यहाँ साइन रखना है तो कोस स्केयर थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, एक माइनस साइन स्केयर थीटा, और एक माइनस साइन स्केयर थीटा आपका क्या होता है, कोस स्केयर थीटा। यहाँ ब्रैकेट को सोल्व किया तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ एक का तो एक रह गया और साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा कितना हो गया, दो साइन स्केयर थीटा, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। मीन आपका ये प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मिडल हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर आप चाहो तो इन दोनों को राइट हैंड साइड भी ले सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, और फिर अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ना तो उस वीडियो को आप है ना रिपीट किया करो, बार बार देखा करो। मैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से भी करवा रहा हूँ और आराम से भी करवा रहा हूँ, और सभी क्वेश्चन में साइन और कोस में चेंज करके करवा रहा हूँ, ये भी आपने ध्यान दिया होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं तो भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप है ना ऑनलाइन देख रहे हो तो कहीं दिक्कत ना आए बच्चे को, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। बस आप रेगुलर वीडियो देखा करो और रेगुलर काम किया करो, अगर आपकी रेगुलरिटी बन गई ना तो अपनी क्लास वाला ही माहौल हो जाएगा। आप रेगुलर काम करना, अच्छे से करना, अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ तो बेटा आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आपको समझ में नहीं आए तो आप रिपीट भी तो कर सकते हो ना, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोस ए बटे में एक माइनस टेन ए, एक माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे में एक माइनस कोट ए, एक माइनस कोट ए आपका बराबर है साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। आपका क्वेश्चन नंबर 17 था ना बेटा, और 17 और एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 था ना, वहां साइन चेंज किया था, आपको याद है क्या, प्लस वाला एक माइनस किया था हमने, कॉमन लिया था, उसी प्रकार ये भी होगा। आपका 17वां 20वां
और जो आपका 26वां क्वेश्चन है उनमें अगर डाउट आता है ना तो एक जैसे ही आते हैं। वहां अगर आपको 17वें और 20वें में प्लस माइनस वाले में कहीं डाउट आया तो फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में बनेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए बटे में एक माइनस टेन ए, साइन बीच में है प्लस का साइन ए बटे में एक माइनस कोट ए। अब यहां बेटा मैंने कोस ए को तो कोस ए सेम ही रखा, इसमें तो चेंज ही क्या करूंगा। टेन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बटा कोस ए, और यहां साइन है प्लस का साइन ए एक माइनस कोस ए बटा साइन ए। उसके बाद देखिएगा ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। अब नीचे वाले का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोस ए आया तो यहाँ कितना आ गया, कोस ए साइन बीच में किसका है माइनस का, और यहाँ क्या आ गया साइन ए, चिन्ह बीच में प्लस का है, ये आपका आ गया साइन ए, यहाँ एलसीएम कितना आया बेटा साइन ए, और यहाँ आपका आ गया साइन ए माइनस कोस ए। अब आप थोड़ा ध्यान से फिर समझिएगा कि यहाँ मैंने टेन ए को तो चेंज किया साइन ए बटा कोस ए में, और कोट ए को चेंज किया कोस ए बटा साइन ए में। अब बेटा यहाँ तो इनका एलसीएम आ गया कोस ए, तो कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ एलसीएम आ गया साइन ए माइनस कोस ए। अब उसके बाद देखिएगा, अब आप मुझे ये बताएं इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो कोस ए तो ऊपर आ जाएगा और ये क्या रहेगा नीचे, तो कोस ए इंटू कोस ए को कोस ए से गुणा किया क्या आ गया, इसको भाग को मैंने गुणा में चेंज किया तो आपका क्या आ गया कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए माइनस साइन ए। उसके बाद आप देखिएगा प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए माइनस कोस ए। आपके लिए थोड़ा सा इजी और कर देता हूं, हम वैल्यू पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहले साइन लिखते हैं ना, तो मुझे बताएं इसको मैं पहले ले आऊं क्या, एक ही बात है ना, फिर आपको डाउट भी नहीं आएगा। साइन स्क्वायर बात तो एक ही है बेटा, साइन ए माइनस कोस ए और कोस स्क्वायर ए कोस ए माइनस साइन ए। आप चेंज कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी आपका सही आएगा, गलत तो होगा ही नहीं आपका। देखो इसको मैंने ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए लिख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं है। अरे सीधी सी बात है कि दो प्लस तीन है, इसको मैं तीन प्लस दो लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों का सम तो कितना आता है पांच ही आता है ना। तो ये और ये, इसको मैंने क्रम सिक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया। अब आप बेटा देखिएगा, फिर याद कीजिएगा, आप थोड़ा सा आप याद कीजिएगा, यहां साइन 17वें क्वेश्चन में भी हमने चेंज किया था, यहां अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सुना, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि नहीं तो बेटा सोल्व नहीं होगा, ये 17वें और 20वें क्वेश्चन जैसा ही है, बस डाउट आता है तो बच्चों को यही आता है और यही डाउट आता है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप देखिएगा साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए माइनस कोस ए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की मैंने, यहां माइनस कॉमन लिया तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस, और कोस स्क्वायर ए, अब बेटा माइनस कॉमन लिया तो आप मुझे बताएं ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आप ये भी तो लिख सकते हो ना, या माइनस कॉमन ले लिया तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि साइन ए माइनस कोस ए, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन ए माइनस कोस ए तो भी आपका सही है। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, कोई दिक्कत है क्या, अगर ये आप ये सेम लिखते हो तो भी आपका गलत है नहीं है। अब देखो क्योंकि इनका एलसीएम क्या आ गया, दोनों को सेम कर दिया मैंने, एलसीएम क्या आ गया साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए एलसीएम आ गया। अब यहां देखो बेटा इसको मैंने इससे भाग दिया
आपका एक आया, ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वेयर ए माइनस, इसको इससे भाग दिया, एक आया क्या आ गया बेटा कोस स्क्वेयर ए। अब आप मुझे बताएं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बताएं एक बार तो मैंने बेटा क्या लिखा साइन ए प्लस कोस ए, और एक बार क्या लिखा साइन ए माइनस कोस ए, माइनस का कोस ए, और बटे में आपका क्या है साइन ए माइनस कोस ए। अब बेटा साइन ए कोस ए से माइनस वाला कट गया, क्या बच गया साइन ए प्लस कोस ए, और यही है बेटा आपकी क्या है राइट हैंड साइड। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि यहां मैंने बेटा टेन ए को तो साइन बटा कोस में चेंज किया, इनका मैंने एलसीएम लिया, फिर भाग को गुणा में चेंज किया। अब उसके बाद याद रखना भी यहां ये मैंने क्रम चेंज कर दिया, उसके बाद बस डाउट आता है तो बच्चों को यही आता है बेटा यहां अगर प्लस रखेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, इसलिए यहां मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लूंगा तो बेटा प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां साइन थीटा माइनस का था, माइनस तो बाहर चला गया, क्या बच गया यहां प्लस का, और यहां माइनस कॉमन लिया तो कोस किसका हो गया माइनस का। ये इसलिए किया कि इन दोनों का एलसीएम एक आए, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब इसके बाद आपने फिर इनका एलसीएम लिया और ये आपके पास आ गया, और यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली सर्वसमिका का प्रयोग किया तो आपका साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए काट दिया तो आपका बच गया साइन ए प्लस ए कोस ए, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा आपका है कोसेक ए, अच्छा क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू में सेक ए माइनस कोस ए, और बराबर आपको दिया गया है एक बटे में टेन ए प्लस कोटे, एक बटे में टेन ए प्लस कोटे। देखिएगा बेटा अगर टेन कोट की फॉर्म में रखूं इनको मैं वहां लेके जाऊं तो सीधा ही आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा, बट मैंने प्रत्येक क्वेश्चन साइन बटा कोस में किया है तो इसको भी मैं साइन बटा कोस में ही करूंगा। आपका क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर है एक बटे में टेन ए प्लस कोटे, तो यहां भी मैं साइन बटा कोस में चेंज करके ही करूंगा, भाई मुश्किल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा राइट हैंड साइड और सोल्व करनी होगी बस। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपका है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक किसके इक्वल होता है बेटा एक बटे में साइन ए, और माइनस का क्या है साइन ए, इसके बटा में एक मान लूं मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, किसी संख्या को एक से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बटे कोस ए माइनस कोस ए बटा में एक। यहां मैंने क्या किया कोसेक को तो एक बटा साइन में चेंज किया और सेक को एक बटा कोस में चेंज किया, अब यहां आपका एलसीएम आ गया साइन ए, साइन ए को साइन ए से भाग दिया आ गया एक, और एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा, और यहां एक माइनस क्या आ गया साइन स्क्वेयर ए, बताने की आवश्यकता नहीं होगी बेटा, एलसीएम लेना तो अब आ गया होगा। अब इसी प्रकार यहां एलसीएम कितना आ गया आपका कोस ए, इसको इससे भाग दिया एक आया, एक को एक से गुणा किया एक, और इसको इससे भाग दिया कोस ए आया, कोस ए को कोस ए से गुणा किया कोस स्क्वेयर ए। अब बेटा सर्वसमिका पहली आपकी क्या बोलती है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो एक माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल होगा कोस स्केयर ए बटा में साइन ए, और इनटू में एक माइनस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है साइन स्केयर ए बटा में कोस ए। अब स्केयर का मतलब दो बार है, ये स्केयर कट गई
ये भी स्केयर कट गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी भाई, कोस ए इंटू साइन ए। अब दिमाग में आपके आया कि सर आप तो साइन कोस से चेंज करवा रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ और आ गया, राइट हैंड साइड कुछ और है। कोई बात नहीं बेटा, राइट हैंड साइड को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। अगर कई बार ऐसा नहीं हो तो आप राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लिया करो। वन बाई क्या है, टेन ए प्लस कोट ए। अब बेटा वन बाई टेन को मैंने क्या लिखा भाई, साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए को क्या लिखा भाई, कोस ए बटा साइन ए। अब देखिए बेटा एक बटा में तो चल ही रहा है, यहां आ गया आपका कोस ए इंटू साइन ए, इसको इससे भाग दिया क्या आ गया, साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुणा किया क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। इसको इससे भाग दिया कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा किया कोस स्क्वायर ए। जल्दी तो नहीं करवा रहा हूं ना, अब तो बेटा इजी सा ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, तो एक बटे में एक, कोस ए इंटू में साइन ए। अब भाग को गुणा में चेंज करूंगा तो ऊपर आ जाएगा ये कोस ए इंटू में साइन ए, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, और यही क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी बेटा, राइट हैंड साइड के। यहां मैंने कोसेक ए को एक बटा साइन में चेंज किया, सेक को एक बटा कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, एक माइनस साइन स्केरे को कोस केरे में चेंज किया, एक माइनस कोस केरे को साइन स्केरे में चेंज किया, इसको सोल्व किया तो ये आया। अब राइट हैंड साइड अलग है, कोई बात नहीं बेटा, साइन बटा कोस में फिर चेंज किया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, यहाँ सरल समीकरण का प्रयोग किया, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान एक। अब भाग में या भाग को गुणा में चेंज किया तो ऊपर आ गया कोस ए इंटू साइन ए, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आराम से चल रहे हैं, आप रेगुलर क्लासेस लगाया करो, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।